नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सीयूईटी पीजी 2024, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। फोरम का इंतजार कर रहे थे आप, इंतजार कर रहे थे काफी समय से सीयूईटी पीजी को लेकर अपडेट्स कब से आएंगी, कब से फॉरम शुरू हो जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा आप हमें बताना, बिल्कुल सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है मेरे द्वारा जो बताई जाने वाली है आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है। ध्यान रखें, आपके फॉरम से रिलेटेड, आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, फॉरम फीस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। बात करते हैं यहाँ पर सीयूईटी पीजी के नोटिफिकेशन के बारे में। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है, ध्यान रखें 26 दिसंबर की डेट में। यहां पर बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट सीयूईटी पीजी 2024 के नाम से आप गूगल पे डालेंगे तो सीयूईटी का पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो सीयूईटी पीजी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ध्यान रखें, यानी कि ऐसा एक एंट्रेंस टेस्ट जिसमें बहुत सी यूनिवर्सिटी हिस्सा लेंगी। ध्यान रखें, यानी कि मैं ये कहूं कि मैं कठपुतली से हूं, अब मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे पीजी करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं फॉरम लगाऊंगा सीयूईटी पीजी का। मुझे लगता है कि बीएचयू से फॉरम लगाना चाहिए, मुझे लगता है जेएनयू से फॉरम लगाना चाहिए, ध्यान रखें, तो उन सभी के लिए आपको भरना पड़ेगा एक ही फॉरम जिसका नाम है सीयूईटी पीजी। यहाँ पर अनेकों यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेंगी, ध्यान रखें, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ध्यान रखें, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन बात करें कि मेरे चैनल से ज्यादा जुड़े हुए विद्यार्थी कौन से हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है। ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करवाती है जिसका नाम है यूआरटी पीजी। जब नोटिफिकेशन आएंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखें। लेकिन अभी बात करते हैं इसके अलावा अजमेर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूरे, ध्यान रखें, स्टेट की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो रहने वाली है, मैं आपको बता देता हूं कुछ नाम जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, जामिया हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, ध्यान रखें, ये सभी शामिल हैं। ध्यान रखें, अगर आप यहाँ से पीजी करना चाहते हैं, एमएस, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, एमबीए, एलएलबी, ऐसे कोर्सेज अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो ध्यान रखें आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम देना पड़ेगा। और डेट्स आपके सामने है भैया, 26 दिसंबर से फॉरम चालू हो चुका है, 24 जनवरी 2024 तक फॉरम भरे जाएंगे। एग्जाम डेट आपके सामने है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आपका एग्जाम आयोजित होगा, आपका किसी भी एक दिन हो सकता है। ध्यान रखें, बात करेंगे कि हम पीजी कर रहे हैं, हम पीजी करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल आता है कि अभी तो हम लोग फाइनल के एग्जाम देने वाले हैं, पहले ही एंट्रेंस एग्जाम दे लेगा, बहुत से यूनिवर्सिटी के अभी फाइनल के एग्जाम होने वाले हैं, अभी तो फॉर्म भी भरे जाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो फाइनल ईयर के फॉर्म ही नहीं भरे गए अभी, ध्यान रखें, तो एग्जाम आएगा, उसके बाद में एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद में, तो तब तक आपको इंतजार नहीं करना है। ध्यान रखें, अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटी के जो जानकारी मैंने दी है आपको, स्टेट, डीएमड, डीम्ड यूनिवर्सिटी हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुआ, इन सभी के बारे में आपको जानकारी है एडमिशन से रिलेटेड, तो आपको सीयूईटी देना पड़ेगा, फाइनल आपकी होती रहेगी भैया, ध्यान रखें। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के फॉरम पहले ही निकल जाते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल फॉरम आए हुए हैं। यहाँ पर डेट है 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 के बीच आपको फॉरम बहुत सावधानी से भरना है, ध्यान रखें। एग्जाम डेट 11 मार्च 28 मार्च, एडमिट कार्ड की जो डेट है 7 मार्च 2024 को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखें। फॉरम फीस, फॉरम फीस देखो यहाँ पर तीन फीस अलग अलग देखने को मिल रही है, ₹1200 है भैया जनरल के लिए, ध्यान रखें, ₹1000 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ध्यान रखें, और ₹900 एससी और एसटी के लिए, ध्यान रखें, ये जानकारी हो गई इससे रिलेटेड, ठीक है, ये कैटेगरी वाइज डाटा हुआ है। लेकिन एक चीज आपको और बता देता हूँ भैया, मैक्सिमम आप 4 कोर्सेज के लिए यहाँ पर फॉरम अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें, फॉरम एक ही भरना है, उसमें 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 कोर्सेज के लिए तो आपको ₹1200 देने पड़ेंगे, ध्यान रखें, लेकिन अगर तीसरा ऐड करते हैं तो आपको ₹600 देने पड़ जाएंगे भैया, जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान रखें। इसका कंप्लीट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहां से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं सीयूईटी पीजी 2024 के नाम से। ध्यान, दूसरा बात करूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है कठपुतली एजुकेशन चैनल जिस नाम से है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप देख लेंगे, ध्यान रखें, पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर देता हूं वहां पर, उसमें सारी जानकारी इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पैटर्न की बात करेंगे भैया, पैटर्न क्या होने वाला है, देखो कोर्सेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, बात करूंगा बीएड वगैरह इनसे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स देखने को मिलेंगे, सभी में 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेपर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेगा 105 मिनट का रहेगा, ध्यान रखें, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुछ पेपर है जो साइंस से रिलेटेड है वो ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम से रहेंगे ध्यान रखें, और बाकी जो पेपर रहेंगे एमए वगैरह से रिलेटेड उन सभी की जानकारी ऑलरेडी पेपर वाइज दी हुई है, ध्यान रखें जब आप सेलेक्ट करेंगे तब। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं, हर सब्जेक्ट के हिसाब से लिंक पे अवेलेबल करवा दूंगा कि कहां से आपको डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पोर्टल बना हुआ है सिलेबस से रिलेटेड, वहां से भी आप देख सकेंगे सिलेबस। तो ध्यान रहे सीयूईटी पीजी का नोटिफिकेशन आ चुका है,
यहाँ पर अपडेट आपको मिल चुकी है। फोरम बहुत ध्यान से भरना है भैया, मैं कहता हूँ सीयूटी पीजी के बारे में हमारा जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, तो मैं कहता हूँ कि सीयूटी पीजी का फोरम भरते समय किसी अच्छे मित्र वाले से आपको पूरी नॉलेज जिसके हो, सीयूटी पीजी को अगर समझ पाता है तो ही आप उससे फॉर्म भरवाएंगे, किसी अच्छे मित्र वाले से फॉर्म भरवाना एक गलती आपको भारी पड़ेगी। यहाँ पे जो फीस है ना भैया, ध्यान रखिए ये फीस ध्यान रखिए यहाँ पर कम है लेकिन करेक्शन की फीस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिए। तो करेक्शन से बचना, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, सारी जानकारी एक बार लेनी है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरने के लिए जाना है। अभी ध्यान रखिए क्या क्या चाहिएगा, 10th की मार्कशीट जो आपकी होती है ना भैया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटो साइन लगने वाला है, ईमेल आईडी आप ऐसी लगाना जिसपे एनटीए आपको भेज सके नोटिस, ध्यान रखिए। ईमेल आईडी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, ध्यान रखिए दोनों चीजें चालू होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट आपको मेल पर भी देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, अगर आपको लगता है कहीं सवाल रह गया कोई भी तो मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकेंगे, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे और मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।